गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे आपके चैप्टर सेकंड में अडोब ड्रीमवेयर के बारे में। ठीक है, कल हमने पढ़ा था टेबल के बारे में, आज हम पढ़ेंगे टेक्स्ट के बारे में। ओके, देखिए टेक्स्ट क्या होता है अडोब रीडर के अंदर। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट के साथ में। टेक्स्ट का मतलब लिखना, ठीक है, यानी कि कोई भी लिखा हुआ डॉक्यूमेंट वो क्या कहलाता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। यानी कि कुछ भी आप उसके अंदर लिख रहे हो उसे हम क्या बोलते हैं, टेक्स्ट। ओके, देखिए टेक्स्ट होता क्या है आपका, ड्रीमवेयर देखिए टेक्स्ट क्या होता है आपके ड्रीमवेयर के अंदर, टेक्स्ट क्या होता है वो देखिए। ड्रीमवेयर गिव्स यू द टूल यू नीड टू इफेक्टिवली पुट टेक्स्ट ऑन योर वेब पेज एंड गेट योर मैसेज अक्रॉस। यानी कि इसका मतलब ये होता है, ड्रीमवेयर आपको एक ऐसा टूल प्रोवाइड करता है जिससे आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, यानी कि आप वेब पेज के अंदर कुछ लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि ड्रीमवेयर आपको एक ऐसा टूल प्रोवाइड करता है जिससे आप अपने वेब पेज के ऊपर कुछ लिख सकते हो और अपना मैसेज छोड़ सकते हो। ठीक है, जिस तरह आप किसी दूसरे को मैसेज भेजते हो, जैसे टेक्स्ट मैसेज भेजते हो व्हाट्सएप वगैरह का नहीं, जैसे फोन के अंदर जो आपका मैसेज बॉक्स है उसके अंदर आप जो टेक्स्ट मैसेज भेजते हो, उसी तरह ही ड्रीमवेयर का भी एक ऐसा टूल है जो आपको क्या करता है, मैसेज टाइप करने के लिए और आपका भेजने के काम में आता है। ठीक है, नोट करो। हो गया सबका, ये देखिए नेक्स्ट है हमारा एडिंग टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं हम। ठीक है, वो देखिए एडिंग एडिंग टेक्स्ट। एडिंग टेक्स्ट का मतलब क्या है, आपको मैसेज ऐड करना है, जो आप कुछ लिख रहे हो उसको ऐड करना क्या कहलाता है, एडिंग टेक्स्ट। ठीक है, तो देखिए
किस किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। देखो कुछ पॉइंट है, जैसे कि टाइप टेक्स्ट डायरेक्टली, इनटू डॉक्यूमेंट विंडो, आपका ये क्या कह रहा है देखिए, टाइप टेक्स्ट डायरेक्टली इनटू डॉक्यूमेंट विंडो, यानी कि आप अपने विंडो के अंदर कोई भी टेक्स्ट डायरेक्टली टाइप कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी डायरेक्टली लिख सकते हो। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका देखो आप, कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम अनदर एप्लीकेशन एप्लीकेशन स्विच टू ड्रीमवेयर, ड्रीमवेयर और पेस्ट इनटू अब ये देखिए क्या बोल रहा है कि हम टेक्स्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो आप देखो कैसे किस किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, टाइप टेक्स्ट डायरेक्टली, यानी कि हम डायरेक्टली विंडो के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है, एक तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो, दूसरा है आप कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम अनदर एप्लीकेशन और स्विच टू ड्रीमवेयर और पेस्ट इनटू ड्रीमवेयर, यानी कि आपने कहीं और से कॉपी किया, ठीक है, कुछ आपने कुछ भी लिखना है उसके अंदर वो आपने कहीं से कॉपी किया, यानी अनदर एप्लीकेशन से, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से, या आपने किसी दूसरे वेब पेज से, जैसे कि आपने गूगल से कॉपी कर लिया, ठीक है, और आपने कहां पेस्ट कर दिया उसको, ड्रीमवेयर के अंदर, ये कौन सा आपका दूसरा तरीका, ठीक है, जिस तरह से आप कुछ कॉपी पेस्ट करते हो, जैसे गूगल से कॉपी करके आप किसी व्हाट्सएप वगैरह पे किसी को सेंड करते हो, पेस्ट करते हो, उसी तरह इसके अंदर भी आप किसी दूसरे वेब पेज से कॉपी करके ड्रीमवेयर के अंदर पेस्ट कर सकते हो, ठीक है, ये दो ऑप्शंस है आपके पास में एडिंग टेक्स्ट के, ठीक है, नोट करो। अब देखिए हो गया सभी का, नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। देखिए करेक्टर फॉर्मेटिंग का देखिए आप क्या होता है,
यानी कि कोई भी चीज उसको अपने तरीके से अपने हिसाब से लिखना, डिजाइन करना, ठीक है। क्या होता है आपका करेक्टर फॉर्मेटिंग। देखिए आप किस किस तरीके से हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, अब वो देखिए आप। नंबर वन देखेंगे, फर्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट, अब ये देखिए क्या कह रहा है ये। फर्स्ट, पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले सेलेक्ट द टेक्स्ट, जो भी आपने लिखा हुआ है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ऑन विच यू वांट टू अप्लाई दिस स्टाइल, और उसके ऊपर कोई भी अपना फॉर्मेटिंग का मतलब है अपने तरीके से कस्टमाइज करना, यानी अपने तरीके से उसको अलग अलग टाइप देना, ठीक है, अलग अलग स्टाइल देना, समझ गए। आप देखो सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट ऑन विच यू वांट टू अप्लाई दिस स्टाइल, और उसके ऊपर क्या करेंगे हम अपने तरीके से कोई भी स्टाइल अप्लाई करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। देखो दूसरा देखिए, देन यू क्लिक Then you click on the bold or IPA or italic in property to apply these style। अब देखिए क्या है नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है वो देखिए आप। देन यू क्लिक ऑन द बोल्ड और इटालिक इन प्रॉपर्टी टू अप्लाई दीज स्टाइल, यानी कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर जो टेक्स्ट की जो स्टाइल है उसके अंदर आपका बोल्ड और इटैलिक दो ऑप्शंस हैं, ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं उनको। जैसे बोल्ड के ऊपर करोगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा, जैसे इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा। अगर इटैलिक पे करोगे तो आपका वो अलग स्टाइल से लिखना स्टार्ट कर देगा, समझ गए। तो इसीलिए इसने बोला है Then you click on the bold or italic in the property to apply this style, ठीक है। Bold और italic style से आप लिख सकते हो और इस property को apply कर सकते हो, ठीक है। Note करो।